गुड मॉर्निंग से हमने ट्रांसफर किया विजय के हाफ ऑफ दी फोर डबल को हम बैलेंस कर लें तो उसे फोर ट्रिपल जीरो उसमें से फोर वन फोर डबल जीरो विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो सिक्स टू सिक्स डबल जीरो का कैश पेमेंट हमने यश को करना है तो टू कैश अकाउंट सिक्स टू सिक्स डबल जीरो मलिक का जो अकाउंट है उसे जब बैलेंस करेंगे तो जो टोटल उसकी कैपिटल होनी चाहिए दैट इज और जो उसकी कैपिटल है वो कम है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो दोनों साइड्स को अगर हमने बैलेंस किया तो उसे फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड की कैपिटल उसे लेके आनी है जो वो कैश में लेके आएगा तो बाय कैश अकाउंट फोर एट टू डबल जीरो मलिक के अकाउंट में आ जाएगा देन नेक्स्ट विजय के अकाउंट में जो टोटल एक तो एट थाउजेंड का उसने जो पे करना है गुडविल उसकी एंट्री तो बाय विजय कैपिटल अकाउंट एट थाउजेंड एंड टू मलिक कैपिटल अकाउंट विजय के अकाउंट में एट थाउजेंड 41400 फोर वन फोर डबल जीरो यश के कैपिटल के अकाउंट से ऑलरेडी वो लेके आ चुका है तो जो रिमेनिंग है दैट इज फोर वन फोर डबल जीरो वो अमाउंट लेके आएगा कैश में बाय कैश अकाउंट फोर वन फोर डबल जीरो बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में मलिक और विजय की जो न्यू कैपिटल है वो, वो लिखी जाएगी सनराइज लाइबिलिटीज लिखी जाएगी और जो भी हमारे रिवेल्यूशन अकाउंट में चेंजेस हुए हैं फर्नीचर स्टॉक डेप्ट और लैंड एंड बिल्डिंग में उसे चेंज करने के बाद हम यहाँ पर मैंशन करेंगे और साथ ही हमें कैश की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्लियरली ऊपर क्वेश्चन में मैंशन है कि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ टू थाउजेंड का कैश रखना है बैंक हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट को हम शो नहीं करेंगे और कैश हम टू थाउजेंड शो करेंगे तो दोनों साइड से आप जब टोटल करेंगे तो बैलेंस आएगी तो ये था हमारा क्वेश्चन जहाँ पे रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों एक ही क्वेश्चन में दिए हुए थे तो इसके साथ हमारा जो रिटायरमेंट का पोर्शन है चैप्टर का वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर अगर एक पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है इमीडिएटली बट अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्म को तो वो एक नया एग्रीमेंट करके फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर वो सेम होती है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होती है जो मेन डिफरेंस है दोनों का वो ये है कि डेथ ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है लेकिन जो रिटायरमेंट है वो यूजुअली जब आप क्लोज करते हो अकाउंट्स बिजनेस के उसके लास्ट डेट पर की जाती है तो जो भी अमाउंट ड्यू होती है डिजीज पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है वो उसके लीगल रिप्रजेंटेटिव को पे की जाती है

क्रेडिट बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसके करंट अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन एक्सेट्रा अप टू दी डेट ऑफ डेथ देन शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हिज शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व हिज शेयर इन दी अमाउंट टू बी रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी शेयर इन फॉर्म्स गुडविल शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ जो जो अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट होनी है वो है शेयर इन लॉस ऑन रिवेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शेयर इन अनिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन शेयर इन गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी बैलेंस होगा उसके कैपिटल अकाउंट में उसे हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में और जो पेमेंट है ये अमाउंट की वो एज पर एग्रीमेंट की जाएगी जो भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ सेटल होगा अब इसमें देखिए इन सब चीजों में हम सेम चीज अप्लाई होगी जो हमने रिटायरमेंट के टाइम पे जैसे कैलकुलेट की है सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है वो क्या है शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज पार्टनर का वो इंटाइटल है रिसीव करने के लिए उसका शेयर प्रॉफिट्स में फर्म के जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से अप टू दी डेट ऑफ डेथ तो उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट की वो जब आप ईयर के एंड में क्लोज करोगे अकाउंट्स को तभी की जा सकती है लेकिन जब डेट ऑफ डेथ आपको पता है उस डेट तक की आपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हम कुछ चीजों को बेसिस मान के कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन कौन से हैं फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखते हैं फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट इस मेथड के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है कंसर्न पीरियड में वो सेम तरीके से अकर होगा जैसे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग ईयर और उसके बेसिस पे जो डिजीज पार्टनर का शेयर है वो कैलकुलेट किया जाता है और जो उसके बाद जो डिजीज पार्टनर का शेयर है वो एडजस्ट किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उनकी गेनिंग रेशो में जिसके लिए जो एंट्री है वो क्या पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन अगर इन केस ऑफ लॉस है तो आउट गोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है और जो आउट गोइंग पार्टनर है उनमें एडजस्ट हो जाए या फिर दूसरा तरीका है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है जो आप दे रहे हैं उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को सेटल किया जाएगा तो उस केस में एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कुछ केसेस में जो डिजीज पार्टनर का शेयर है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले टोटल प्रॉफिट आपको चाहिए होगा और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इयर्स के बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट कंसर्न पीरियड के लिए जिस डेट तक वो जिंदा रहा है उस डेट तक के लिए आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद उस प्रॉफिट uh, में आप जो डिजीज पार्टनर का शेयर है वो फाइंड आउट कर लेंगे बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स Uh, अगर जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है अपटू द डेट ऑफ डेथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल तो उस केस में जो लास्ट ईयर की सेल्स है और जो प्रॉफिट्स हैं वो दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और उसके साथ साथ जो करंट ईयर की सेल्स हुई है अप टू दी डेट ऑफ डेथ वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो जो यूनिट मैथड है वो अप्लाई करके जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है आप निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और उसमें जो डिजीज पार्टनर का शेयर है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी तो इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्टी टू ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू टू इज टू टू इज पार्टनर्स सेपरेटली A for 2,50,000, B for 1,80,000, C for 1,50,000, and D for 1,20,000. Premium paid on these policies has been charged to profit and loss account. Accounts are prepared on 31st March every year. C died on 31st July 2008. On this date, the surrender values of the policies are one fifth of the amount of policy. Under the partnership deed, the executor of the deceased partner is entitled to get the following. His capital as per balance sheet. Interest on capital at the rate of 12% per annum up to the date of death. His share of profit to the date of death calculated on the basis of last year profit. His share of insurance policy. C's capital on 31st March 2008 was 3,75,000 and he has withdrawn 6,000 per month at the end of each month. Interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. Last year profit was 75,000. Prepare C's account to be rendered to his executor. तो क्या क्या उसे मिलना है ये लिखे हुई हैं चीजें तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या क्या उसके पास जाएगा सबसे पहले उसकी कैपिटल एस पर बैलेंस शीट तो जो सी है उसकी कैपिटल कितनी है एस पर बैलेंस शीट दिया हुआ है थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो बाय बैलेंस बी डी

कितने मंथ्स के लिए था उसकी डेथ हुई है जुलाई में और अकाउंट्स आपके क्लोज होते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को मतलब फर्स्ट अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट जुलाई तक तो अप्रैल मई जून जुलाई फोर मंथ्स का जो आपने है उसको इंटरेस्ट देना है तो थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू फोर डिवाइड बाई 12 जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और वो आएगा 15000 देन नेक्स्ट है आपका हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो कितना दिया हुआ है 75000 तो so, 75000 जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है वो आपके पूरे साल का दिया हुआ है पिछले साल का अब जो है आपका आपने जो निकालना है वो कितने महीने के लिए निकालना है वो निकालना है आपने थर्टी फर्स्ट जुलाई तक का तो फोर मंथ्स का निकालना है आपने तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फोर बाय ट्वेल्विट मैथड हम अप्लाई कर रहे हैं तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड अगर प्रॉफिट है ट्वेल्व मंथ्स के लिए तो फोर मंथ्स के लिए कितना होगा तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू फोर और ये आपका शेयर आ जाएगा फोर मंथ्स का अब इसमें जो ये आपका प्रॉफिट आया है फोर मंथ्स का सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फोर बाय ट्वेल्व इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सी है उसके शेयर से क्योंकि ये जो फोर मंथ्स का प्रॉफिट आया है ये सभी पार्टनर्स का है तो इसमें सी का कितना शेयर है सी का जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो है टू बाय एट तो इसको मल्टीप्लाई हमने किया टू बाई एट से तो आपका अमाउंट आया सिक्स टू फाइव जीरो तो उसका जो शेयर है प्रॉफिट में उसे हम लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट सिक्स टू फाइव जीरो नेक्स्ट जो उसे मिलना है दैट इज हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी सभी की लाइफ पे आपने इंडिविजुअल पॉलिसीज ली हुई है तो सभी की लाइफ और जो प्रीमियम आपने पे किया है उसे चार्ज किया है अपने पी एंड एल अकाउंट से मतलब रेवेन्यू मैडिचर उसे माना हुआ है तो सभी की पॉलिसीज में सभी का हक है तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सी का अपनी खुद की पॉलिसी में कितना शेयर है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड उसकी सरेंडर वे जो वैल्यू है पॉलिसी की उसमें उसका शेयर टू बाय तो सीधा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का टू बाय हमने कर दिया तो ये आपका निकला थ्री सेवन फाइव डबल जीरो हम इसका वन बाय फाइव क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी खुद की पॉलिसी का क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है तो जो पॉलिसी है वो पूरी की पूरी ही जो मेच्योर है वो हो गई तो का हमने किया टू उसका शेयर आया थ्री सेवन फाइव डबल जीरो जो बाकी पर्सन है वो अभी जिंदा है सभी के सभी पार्टनर्स तो उनकी जो सरेंडर वैल्यू है वो पॉलिसी का वन फिफ्थ है जैसे कि क्वेश्चन में मैंशन है तो उन सबकी पॉलिसीज का वन फिफ्थ हमने निकाला और उसमें जो सी है उसका शेयर हमने निकाला तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू वन बाई फाइव इंटू टू बाई एट वन लैख एट्टी थाउजेंड इंटू वन बाई फाइव इंटू टू बाई एट वन लाइकेंड इंटू वन बाई फाइव इंटू टू बाई एट तो ये आ गया आपकी उसका पॉलिसी का शेयर और इसका टोटल किया सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो बाई तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट साइड पे सिक्सटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट चीज है ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स

टर्टी फर्स्ट जुलाई हमें देखेंगे अप्रैल का महीना निकल गया मई जून जुलाई थ्री मंथ्स के लिए उसने उसे यूज किया तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं सिक्स थाउजेंड इंटू थ्री सिक्स थाउजेंड इंटू टू सिक्स थाउजेंड इंटू वन एंड सिक्स थाउजेंड इंटू जीरो आ जाएगा तो इसके ऊपर इंडिविजुअली जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया टेन परसेंट से तो ये हमारा आया थ्री हंड्रेड और इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने लिख दिया डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थ्री हंड्रेड दोनों साइड्स को आपने बैलेंस किया तो आपका जो एग्जीक्यूटर को बैलेंस ड्यू है वो आ जाएगा